हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव दिखने में जितनी कलरफुल है उससे ज़्यादा ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है और एक भी टूटा नहीं है। तो ऐसे पुलाव बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है बासमती राइस, जो कि मैंने भिगा कर रख दिया है। एक ग्लास लिया है और एक ग्लास राइस के लिए मैं यहाँ पर दो ग्लास पानी ले रही हूँ। आप कोई भी राइस ले सकते हैं। और मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, चक्रफूल, जीरा। और मसालों में यहाँ पर मैं गरम मसाला, नमक और काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ और थोड़ा सा काजू, ये ऑप्शनल है। और मैं यहाँ पर पुलाव को देसी घी में बनाऊंगी, आप चाहे तो ऑयल पे बना सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और वेजिटेबल में मैंने गाजर, बीन्स, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, मटर और आलू लिया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गरम कर लेती हूँ मैं, आप चाहे तो इसको वेसल में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। और कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ 1 चम्मच। और घी मेल्ट होते ही मैं इसमें इलायची, लौंग और जीरा, ये सब जो गरम मसाले मैं ली थी वो सब डाल दूंगी और इन सभी को अच्छे से भून लूंगी थोड़ी देर के लिए। जब इसमें से खुशबू आ जाए तब मैं इसमें काजू डाल दूंगी। काजू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। आप इसके बदले किशमिश भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काजू ब्राउन हो चुकी है। अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसको भी 1 मिनट भून लेंगे और इसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स इसमें एक साथ डाल देंगे, जो भी मैंने लिया था। मैंने उबाला हुआ मटर लिया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर का यूज कर सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी घी और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि इसमें भी अच्छे से खुशबू आ जाए। और इसको 2 मिनट के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला और नमक, काली मिर्च का पाउडर, सब एक साथ मैं डाल दूंगी इसमें। और बाकी कोई भी मसाला नहीं डालेगा, इसी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये डालने के बाद हमें इसको फिर से चला लेना है 2 मिनट के लिए। और ये सूखे मसाले नीचे से चिपक जाएंगे, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। गैस की फ्लेम को लो ही रखिए। और मैं अभी इसमें 1/2 कप के जितना पानी ऐड कर रही हूँ, बस सब्जियों को थोड़ा सा अच्छे से गलाने के लिए। और पानी डालने के बाद अभी फिर से इसको मिक्स कर दूंगी और हाई फ्लेम पर इसको पकाऊंगी मैं। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ। 2 मिनट बाद इसको चेक करूंगी। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। तो इसी वक्त हमें इसमें चावल डाल देने हैं। पानी से निकाल दीजिए चावल को और इसमें डालकर चावल को अच्छे से सब्जियों में मिला दें। हमें इस चावल को सब्जियों के साथ फिर से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। तो अभी जितना इसमें पानी है, थोड़ा थोड़ा इसको भी ड्राई कर लेना है ढक के। तो करीब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी सूख चुका है, इसमें से एक भी ड्रॉप नहीं है। तो अभी इसमें मैं वो जो चावल के लिए पानी रखी थी 2 ग्लास, 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी होता है, आप इस बात का ध्यान रखें। और मैं 2 ग्लास पानी डाल चुकी हूँ इसमें। फिर पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन डालने से इसमें चावल जो है खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल व्हाइट बनेंगे, एक भी टुकड़ा नहीं आएगा चावल का। तो नींबू का रस डालने के बाद फिर से चावल को मिक्स कर लेंगे। आप इस राइस को बार बार मिक्स ना कीजिए, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो अभी सब कुछ हो गया है। अभी हमें नमक चेक कर लेना है इसी वक्त। तो मैं इसमें चेक कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लगा नमक, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच और नमक डाल दूंगी। और अभी इस पानी को हम हाई फ्लेम पर खुले में ड्राई कर लेंगे। जब तक राइस में से पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसको ढकना नहीं है, बस इसी तरह से खुले में इसको पकाना है। आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं थोड़ा सा चला ले रही हूँ ताकि ये नीचे से ना चिपक जाए। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा, मतलब 1/2 चम्मच घी डाल रही हूँ ऊपर से। और अभी इसको हम दम पे पकाएंगे, यानी कि गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो टाइम हो गया है, अब मैं चेक कर लेती हूँ राइस को। आप देखिए हमारा वेज पुलाव बिल्कुल बनकर रेडी है और एक भी राइस नहीं टूटा है और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है।
तो आप इस वेज पुलाव को जरूर ट्राई करें और इसको सलाद या फिर रायता के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।